नमस्कार दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा अंकुर सीड्स की तरफ से आने वाली केदार गेहूं, और ये नॉर्मल गेहूं के अपेक्षा ज़्यादा बेटर होता है। आप ये देख सकते हैं, इसका नॉर्मल गेहूं का बाली इससे मतलब छोटा छोटा रहता है, और इस गेहूं का आप देख सकते हैं, और ये ब्रांडेड गेहूं में शुमार है। और आपको गेहूं कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये लगभग 50 से 60 डिसमिल के जगह में लगा हुआ है, ये आप देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक का। और इसको लगे हुए वही 60 से 70 दिन हो चुके हैं, और इसमें हमने 30 से 35 दिन के बाद वही 19-19 का स्प्रे किया था, और एक बार हमने DAP और यूरिया का छिड़काव किया था। और अब देखिए, उसके छिड़काव 19-19 का छिड़काव करने के बाद ये गेहूं ज़्यादा बेटर हो चुका है नॉर्मल गेहूं के अपेक्षा, तो आप ये देख सकते हैं। और ये इसका जैसे कि आप गेहूं निकाल करके इसका आटा बनवाएंगे, तो ये और गेहूं की आटा के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। और आप देखिए, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।